नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रचना बंसल। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। ज्योतिष के नव ग्रहों में गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता का कदम चूमना बिल्कुल तय है, लेकिन यही गुरु अगर कमजोर हो तो तमाम मुश्किलें जीना मुहाल कर देती हैं। बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, किसी काम में यश नहीं मिलता, घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और सेहत पर भी इसका साफ असर देखने को मिलता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर, हुए काम बिगड़ जाते हैं, किसी काम में यश नहीं मिलता, घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और सेहत पर भी इसका साफ असर देखने को मिलता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे किया जाए, कैसे घर में खुशहाली लाएं। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। कुंडली में गुरु की कौन सी चाल देती है परेशानियाँ। गुरु ग्रह का बच्चों की पढ़ाई से क्या संबंध है। गुरु की महादशा को कैसे करें शांत। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल होगा। तो शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को आप लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों के मुताबिक दिन का हाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। परिवार के सदस्यों की तरफ से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। यात्रा करने के अवसर भी प्राप्त होंगे और व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली बना रहेगा और कुछ न कुछ नया करने की इच्छा उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आज परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। भाई बंधुओं से अच्छे संबंध कायम होंगे। मीठी वाणी की बदौलत आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे, परंतु ध्यान रखें गलत संगति से बच कर रहे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सुबह का वक्त तो अच्छा है, जिसमें घर के बुजुर्गों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं, परंतु क्रोध की अधिकता से बचे और छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई न कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। गुरुदेव, बात आज हम चूंकि गुरु की कर रहे हैं तो गुरु की ऐसी कौन सी चाल है जो कि हमारे जिंदगी में परेशानियां ला देती है। गुरु के लिए कहा जाता है कि ये स्वयं खराब नहीं होते, दूसरे ग्रह खराब करते हैं। ये बात सत्य है, लेकिन इसके लिए एक और भी बात है कि गुरु जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर का बहुत बड़ा असर अपनी जिंदगी के अंदर आता है। इसीलिए मैं आपको 12 के 12 घरों के बारे में पहले बताऊंगा शॉर्ट में, और इनसे संबंधित जो मैं परीक्षण बताऊंगा और जो एहतियात बताऊंगा, अगर वो नहीं अपनाए गए तो ये गुरु सुखी ही नहीं करते, दुखी भी बहुत करते हैं। जैसे लगन के अंदर अगर बृहस्पति हो, इंसान अगर लगातार जीवन के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ता चला जाए और लोगों को ज्ञान बांटता चला जाए तो इंसान की जिंदगी स्वर्ग है, नहीं तो ये सारी जिंदगी के लिए इंसान को एक समझदार मूर्ख गुरु के रूप में बना देता है, जो कि अपना और अपनों का पेट भरने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहता। इसलिए पहले घर में अगर बृहस्पति हो तो इंसान को कुछ भी पढ़ करके लोगों को ज्ञान बांटना बहुत जरूरी है। धन भाव में अगर, यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर अगर बृहस्पति हो, इंसान के पास सारी जिंदगी पैसा आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता है, यानी कि धन का संचय नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेवारियों के ऊपर खूब खर्चता है। लेकिन धन भाव के अंदर अगर गुरु हो और बिल्कुल अपने घर के साथ लगता हुआ सामने आसपास में कहीं मंदिर हो या पीपल का पेड़ हो तो इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा
इंसान अपने घर को ही पूरी तरह से नहीं चला पाता और घर के अंदर परेशानियां आनी बिल्कुल बंद नहीं होती है। अगर धन भाव में बृहस्पति हो तो इंसान का घर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये बिल्कुल पास में बिल्कुल ना हो और पीपल का पेड़ तो घर के पास में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। तीसरे घर के अंदर अगर बृहस्पति हो इंसान बिल्कुल कर्मठ होता है, हर काम को बहुत जोर से करता है। अगर दुश्मनी करेगा तो ऐसी करेगा कि सामने वाले का बिस्तर भी गोल कर दे और दोस्ती करेगा तो ऐसी करेगा कि उसको पार लगा दे, ये तो गुण उसमें होता है। लेकिन तीसरे घर के बृहस्पति की एक बहुत बड़ी खासियत कि अगर स्वास्थ्य में गड़बड़ी आनी शुरू हो गई तो बेटा ये बहुत ही नुकसान देता है और बहुत बड़ी तकलीफें देता है। ऐसे में अगर किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो तो मंगल का उपाय करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर की मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन में दबाना बहुत जरूरी है। चौथे घर का बृहस्पति बहुत ही उत्तम है, हर तरह की सुख शांति समृद्धि रुपया पैसा प्रॉपर्टी वाहन के सुख सब कुछ देता है। और यह इसके बिल्कुल विपरीत बड़ों का सुख छीन लेता है, प्रॉपर्टी के लिए कंफ्यूजन पैदा कर देता है और कमाई का कोई स्रोत नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये किनके साथ होगा, जिन लोगों को भी अपना बदन नंगा रखने की आदत पड़ जाए या हर रोज अपने कपड़े उतार के थोड़ी देर के लिए अगर वो बैठते हैं तो इन लोगों का बृहस्पति बेहद खराब हो जाता है। इसलिए चौथे घर में बृहस्पति हो तो इंसान को अगर गंगा स्नान के लिए भी जाना है ना तो बनियान पहन के वो गंगा स्नान करे, अपने शरीर को कभी भी पूरा नंगा ना रखे, इस चीज का खास ध्यान रखें। पांचवें घर का बृहस्पति कहते हैं औलाद को तो काबिल बना देता है लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर बहुत विघ्न बाधाएं देता है और खास तौर पे कामकाज से संबंधित। आदमी कितना भी काबिल हो उसके कामकाज को अच्छा नहीं चलने देता, इसीलिए जब तक पांचवें घर के बृहस्पति वाले के यहां बृहस्पतिवार के दिन पुत्र न उत्पन्न हो जाए तब तक ये जिंदगी के अंदर सुख नहीं देता। अगर उससे पहले अगर सुख पाने हो तो 43 दिन 40 ग्राम नाग केसर का जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। छठे घर का बृहस्पति, छठे घर के बृहस्पति को कहा जाता है कि अगर घर में सुख है, पिता कमाते हैं तो वो सोने की खानों के मालिक होंगे। कहने का मतलब यह है कि उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, वो सारी जिंदगी कमाई करेंगे और बच्चों को सुख भी देंगे, परंतु अपने शरीर के अंदर एक ऐसा आलस्य बनता है या अपनी किस्मत ही ऐसी बनती है कि आदमी बार बार खाली बैठता है और कोई काम नहीं ढंग से कर पाता और इसके अंदर इंसान को खाली बैठ के खाने की आदत ऐसी पड़ती है कि वो पूरी तरह से अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है लेकिन उसके पास अन्न की धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन ये योग इतना खराब है इसको ठीक करना बहुत जरूरी, वरना बुढ़ापे में दिक्कत होती है। उसके लिए आदमी को हर बृहस्पतिवार को बांध लेना चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को 600 ग्राम चने की दाल टैक्स के रूप में मंदिर में देगा ही देगा। सातवें घर का बृहस्पति जो सबसे ज्यादा खराब है, सातवें घर का बृहस्पति इंसान को एक ऐसी बुद्धि देता है जिसके अंदर आदमी चाहता है अपने परिवार को संयुक्त रखना, अपने भाइयों के ऊपर लुटाना, अपने परिवार के ऊपर लुटाना, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेवारी को संभालना, यह अच्छी सोच देता है। लेकिन इस आदमी की किस्मत के अंदर अपनों से ही खता खाना दुख पाना ये इसकी किस्मत में लिखा होता है, इसलिए ऐसी सोच देता है। अब ऐसे में अगर घर में बड़ा सा मंदिर बना लिया जाए, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां रख ली जाए, अपने उतरे हुए कपड़े दान दिए जाए, साधु महात्मा को बार बार घर बैठा करके चाय पानी पिलाना, उनकी सेवाएं करना, इस सारी चीज के अंदर आदमी ज्यादा उतर जाए तो ऐसे इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका बाल बाल कर्जाई हो जाता है। और साथ में ही ऐसा इंसान सारी जिंदगी अपने भाइयों को पालता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पहले भाई साथ छोड़ देते हैं, उल्टा उसके पास जो कुछ होता है वो ले जाते हैं और उसके बाद में अपनी बीवी और बच्चे वो भी पूरी तरह से कहने में नहीं रहते, काम नहीं आते बेटा। इसलिए भूल के भी घर में बड़ा मंदिर मूर्तियों वाला नहीं बनाना चाहिए, दो चार तस्वीरें रख के बना सकते हैं और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक झुकाव के अंदर नहीं जाना चाहिए और अपने उतरे हुए कपड़े या रेडीमेड कपड़े कभी भूल के भी किसी को दान नहीं देने चाहिए। और सातवें घर का बृहस्पति हो तो बेटा सात पीली रत्ती और सोने का चकोर टुकड़ा पीले कपड़े में सिलाई करके अपनी जेब में रखें, अगर हो सके तो घर में पानी का टप लगाएं और उस पर नहाएं और बार बार यानी कि हफ्ते में 2-3 बार उसके अंदर नहाना या फिर अपने घर के अंदर ही एक बड़ा सा फुहारा लगा करके उसके अंदर स्नान करें कि जैसे बरसात का पानी गिरता है, यही बृहस्पति सात का इलाज है।
बृहस्पति आठ, बृहस्पति आठ बहुत उत्तम है बेटा। ये बात तो ठीक है कि ये दादा का सुख नहीं देता, दादा अपनी आठ साल की उम्र से पहले ही चले जाते या बच्चा देख नहीं पाता, लेकिन अगर दादा जिंदा हो, पिता भी जिंदा हो, तो जीवन के अंदर अपने जीवन को खतरा बना रहता है, पता नहीं कब ये बृहस्पति खराब कर दे हमारे जीवन को। अगर दादा जिंदा नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, पिता को बड़े नुकसान जरूर होंगे, लेकिन बच्चा बड़ा होते तक इतनी कमाई करने में सक्षम हो जाता है कि वो पिता का बुरा समय बिल्कुल धो करके इंसान को जिंदगी के अंदर मालोमाल कर देता है और हर तरह की अच्छी अकल देता है बेटा। ये बृहस्पति बहुत ही उत्तम है। और नौवें घर का बृहस्पति, नौवें घर का बृहस्पति भी बेहद उत्तम है बेटा। ये जितना इंसान आध्यात्मिक रहेगा, गुरुओं की पूजा करने वाला, भगवान की शरण में रहने वाला और आस्तिक होगा, पूजा पाठ में विश्वास होगा, मंदिरों में जाने वाला होगा, ये बृहस्पति इंसान को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां देता है, लेकिन बहुत बड़ा अमीर नहीं, लेकिन अच्छा खासा संवर्ध तो बनाता है, ठीक है। अब आ गए दसवें घर का बृहस्पति। दसवें घर के बृहस्पति के लिए खास तौर पे कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया, बहुत ज्यादा दान पुण्य किया और आध्यात्मिक काम से संबंधित अगर काम कर लिए, सुनार का काम कर लिए, तो ये बर्बाद कर देगा। इसीलिए बेटा इसके अंदर मॉडर्न जमाने के जितने भी काम हैं जिसमें सच और झूठ मिलाकर के चलाया जाता है बेटा, उन कामों के अंदर यह कामयाबी देता है। और ग्यारहवें घर का बृहस्पति कहते हैं, जिसका ग्यारहवें घर का बृहस्पति हो जाता है उसके अंदर झूठ को पकड़ने की ताकत नहीं होती, चलाकी की ताकत नहीं होती, जिसके कारण अपनों के ऊपर डिपेंडेंट रहना उसकी जिंदगी की मजबूरी बन जाती है। और जब तक वो अपने भाई और पिता के साथ है तब तक सुखी, और जब भाई और पिता ना हुए तब वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बृहस्पति अगर ग्यारहवें घर में हो तो एक तो तांबे का कड़ा धारण करना बेहद जरूरी है, और अगर इंसान का स्वभाव इतना खराब हो चुका है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर टोका टाकी करके घर के माहौल को बिगाड़ के रखता है, तो 43 दिन बृहस्पति की पोटली को जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है। और वो क्या है, उसके अंदर बेटा थोड़ी सी चने की दाल, दो हल्दी की गांठ, दो मुलट्ठी की गांठ, पांच पीपल के पत्ते और एक सूरजमुखी का फूल, ये पीले कपड़े में लपेट के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना बहुत जरूरी होगा। अब बारहवें घर का बृहस्पति, बारहवें घर के बृहस्पति अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी समझता है, इंसान मेहनत करके कमाता है और अपने घर की जिम्मेवारियों पर खूब खरसता है और अच्छा रहता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान गले में किसी भी तरह की रुद्राक्ष की, मोतियों की या तुलसी की किसी भी प्रकार की माला अगर धारण कर ले या ताबीज पहन ले किसी का दिया हुआ, तो इंसान जड़ से बर्बाद हो जाता है, उसके बाद उसकी कमाई का स्रोत कुछ नहीं बचता। बेटा ये बृहस्पति की चाल बारह घरों की मैंने तुम्हें जो समझाई है, अगर इसके ऊपर अमल किया और इन प्रिकॉशनों पर अमल किया तो जिंदगी स्वर्ग जैसी होगी। अगर इसको ठीक नहीं कर पाए तो बाकी ग्रहों के इलाज करने के बावजूद भी जिंदगी दुविधा में रहती है। तो इसीलिए बारहों घरों का फल आपके सामने है, आपने स्वयं अपनी कुंडली देखी होगी, इनका खास ध्यान रखोगे तो जिंदगी के अंदर ज्यादातर दुख दूर ही है। गुरुदेव से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जानिए उनका आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य में पेट से संबंधित आज दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता प्राप्त होगी और धर्म के कार्यों में पूरी श्रद्धा के साथ सहयोग करेंगे। सिंह राशि वाले लोग अगर आज नीले रंग से परहेज करें, यानी कि नेवी ब्लू कलर से अगर परहेज करें, तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। आज यात्राओं का अच्छा योग बना हुआ है, आप अपनी योग्यता के आधार पर अच्छा शिक्षा में और कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे और परिवार का भी उत्तम सुख होगा और मित्रों और परिचितों के साथ में भी अच्छा सहयोग बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, आज शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा, यात्राओं के योग भी बने हुए हैं और आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य भी करेंगे, धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। गुरुदेव, क्या बच्चों की पढ़ाई से भी गुरु ग्रह का कोई कनेक्शन है? बेटा पढ़ाई का तो बहुत बड़ा संबंध है, ये मैं बता चुका हूँ। पढ़ाई यानी कि याद रखने की ताकत, और याद रखने की ताकत के ऊपर ही हमारा पूरा जीवन डिपेंडेंट होता है बेटा। एक ये, दूसरी सब्र की ताकत, यानी कि जिस भी इंसान में सब्र होगा उसकी जिंदगी वैसे ही बहुत उत्तम होगी। यानी याद रखने की ताकत और सब्र,
ये दोनों ही बृहस्पति देता है। और लेकिन बृहस्पति जिनका खराब होता है उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा कम पहुंचती है। जिनका बृहस्पति खराब हो बेटा, वो जब श्वास लेते हैं तो उनका श्वास गहरा नहीं जाता जो पेट तक जाए, जो नाभि तक जाए, उनका श्वास सिर्फ ये छाती के पोर्शन तक रहता है, यानी कि उनका छोटा सांस होता है, और जिसकी वजह से ये तकलीफ सदा ही बनी रहती है। आप अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई खराबी आ रही है तो बच्चे को खेलना कूदना बहुत जरूरी है, और इतना खेलना कूदना कि उसकी धड़कन तेज हो, उसकी सांस फूले और इतनी तेज सांस ले कि वो नाभि तक जाए। अगर नाभि तक सांस नहीं गई तो आपके बच्चे की लिखाई पढ़ाई अच्छी हो ही नहीं सकती, और याद रखने की ताकत कमजोर होगी, और बच्चे के अंदर एक अलग सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा होगा जिसके कारण उसके अंदर सहन शक्ति की कमजोरी। तो देखा कितनी बड़ी ताकत है बृहस्पति, पर इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हो, मैं ये बार बार बोल, और बच्चे के अंदर एक अलग सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा होगा जिसके कारण उसके अंदर सहन शक्ति की कमजोरी। तो देखा कितनी बड़ी ताकत है बृहस्पति, पर इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हो, मैं ये बार बार बोल रहा हूं। पहले तो मैंने 12 घरों के बारे में बता दिया कि क्या प्रिकॉशन लेनी है, और अब बृहस्पति को ठीक करने का सबसे उत्तम तरीका केसर, यानी कि आपने देखा होगा ये सफर, इसकी खासियत यह है कि सफर एक तेजाब है, लेकिन ये इतना अच्छे वाला तेजाब है कि जो हमारे अंदर जाकर के हमारी नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है उसको क्लियर करने का काम करता है, और इसीलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे या जिनको बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, जिनकी याद रखने की क्षमता कमजोर हो रही है, जिनका छोटा श्वास होता चला जा रहा है, इन लोगों को केसर वाला दूध पीना बेहद जरूरी है। ये अपने खाने पीने वाली चीजों के अंदर अगर केसर का और हल्दी का इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं तो ये प्रॉब्लम उनके पास से कोसों दूर रहेंगे। और साथ में बच्चों का खास ध्यान रखें, आप देखेंगे वो स्थिर होकर के घर में बैठे हुए जब टीवी देखते रहते हैं तो बच्चे का श्वास पेट तक पहुंचेगा कैसे, वो यही छाती तक सीमित हो जाता है, और बच्चे के अंदर गुस्सा बढ़ने लगता है, धैर्य छूट जाता है, याद रखने की क्षमता भी कमजोर होती है। जिनको कुदरत ने अपने आप गुण दिया, जिनको अच्छा बृहस्पति पहले से दे रखा है, वो अगर बैठे भी रहेंगे तो उनका श्वास पेट तक जाएगा, लेकिन जिनका बृहस्पति अच्छा नहीं है उनका छाती तक रुक जाएगा और ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन इसको ठीक करना कितना आसान, कि हफ्ते में एक बार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन ऐसे बच्चे को पीपल के ऊपर जल चढ़ाने के लिए बोले, और साथ ही बेटा इनको दौड़ लगाना, खेल कूद करना और श्वास को चढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आपने इतना ही कर दिया तो आपका बच्चा लिखाई पढ़ाई में भी अव्वल होगा, सहन शक्ति में भी अव्वल होगा, और जिसके अंदर ये दोनों गुण होंगे उसके संस्कार उत्तम होंगे, और जिसके संस्कार उत्तम होंगे वो जिंदगी में तरक्की करेगा। तो कितना आसान उपाय, इसको जरूर अपनाइएगा अपने बच्चों के लिए। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलाहाबाद से मोहम्मद सलमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं निवासी प्रतापगढ़ का हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/1/96 है। जन्म मेरा 9:15 में सुबह मॉर्निंग के टाइम में हुआ है। मैं PCS की पेपर दे चुका हूँ, मैं फ्री हो गया है। मेरा मेन्स में 2 बार मेरा रुक जाता है। पंडित जी मेरा समाधान बताइए। बेटा इस वक्त में शनि और राहु के टकराव का समय चल रहा है, जो जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में देता है, और घर में कोई ना कोई बीमारी भी दे सकता है, यानी किसी न किसी के दवाइयों का दौर चलना, और ये भी संभव हो जाता है कि कोई एक्सीडेंटल योग ऐसे बने या लड़ाई ऐसी बने जिसके कारण पुलिस कोर्ट कचहरी भी हो जाए, ये वाले भी ये हालात खराब दे रहे हैं। तो इसको तो बहुत आराम से हटाया जा सकता है, और इसके लिए क्या है, 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर दो, और तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेके किसी भी साधु को, फकीर को दान में दे दो, और ये 9 दिन लगातार दे दो तो तुम्हारे ये रिजल्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और पढ़ाई तुम्हारी निकल जाएगी। लेकिन एक बात कहूंगा, तुम्हारी कुंडली में एक योग बहुत ही खास है बेटा, और वो है सूर्य का 11वें स्थान पे बृहस्पति के साथ होना। इसके लिए कहा जाता है झूठ मारे या झूठ। झूठ हम किसे बोलते हैं? झूठ हम बोलते हैं मांस का प्रयोग, वो पूरी तरह से झूठ है।
दूसरा, अपनी पत्नी के अलावा कहीं और संबंध हो जाना ये भी झूठ माना जाता है। और झूठ यानी कि अपनी कमाई के लिए तरह तरह के पैंतरे लगाना और सामने वाले को बेवकूफ बनाना, बेटा ये झूठ काउंट होता है। अगर इसमें ना गए तो ये सूर्य तुम्हें राजा के समान बनाएगा और तुम्हें बेहद कामयाब इंसान बनाएगा। पर अगर तुम इसमें चले गए तो सारी जिंदगी कमाई करके गुजारे अच्छे कर जाओगे, लेकिन बहुत अच्छे वाले नहीं, सिर्फ नॉर्मल अच्छे गुजारे तो कर जाओगे, लेकिन आगे जो तुम्हारे पुत्र संतान होगी या तो होगी नहीं, और अगर हो गई तो वो किसी काबिल नहीं रहेगी, यानी कि वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इतनी बड़ी सजा देता बेटा। इसीलिए जो मैंने कहा है इसकी प्रिकॉशन रखना, और हर साल ही तवा चिमटा या अंगीठी किसी एक फकीर को दान दे देना, और साथ ही 8 दिन लगातार 8-8 कोटे सिक्के ये दान दे देना। प्रोफेशनल लाइफ तुम्हारी बहुत शानदार होगी और दाता सारे सुख देगा। खुश रहे बाबा। और इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की। बातचीत का सिलसिला गुरुदेव से जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि, आज भगवान की तरफ आपका मन का झुकाव तो बनेगा, परंतु क्रोध की अधिकता के कारण परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर आप यात्रा पे हैं या वाहन चला। तुला राशि, आज भगवान की तरफ आपका मन का झुकाव तो बनेगा, परंतु क्रोध की अधिकता के कारण परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर आप यात्रा पे हैं या वाहन चला रहे हैं उसमें सावधानी जरूर बरतें, वरना किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट का संकेत भी मिल रहा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले आज किसी न किसी मांगलिक कार्य में या किसी समारोह में शामिल जरूर होंगे, जिससे आपका मन तो प्रसन्न रहेगा, परंतु पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, और वयस्कों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर के पूरा उत्तम नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए सुबह सवेरे तो काफी अच्छा दिन है, यानी कि स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, परिवार और मित्र वर्ग की हर तरह की संभव मदद प्राप्त होगी, परंतु कोई जानकार आज के दिन आपको धोखा दे सकता है, धोखाधड़ी जैसी कोई भी घटना हो सकती है, और उसके बाद में वाद विवाद के हालात उत्पन्न हो सकते हैं, और खास तौर पे अगर आज के दिन कोई शत्रु आपका है तो उससे उलझने की कोशिश ना करें, वरना दिन पूरा खराब हो जाएगा। गुरुदेव, बात आज हम गुरु ग्रह की कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को ये जरूर आज आप बताइए कि कौन से सबसे बुरे वो योग होते हैं जो जिंदगी को बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में ला देते हैं और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले बृहस्पति और शनि का मेल, बृहस्पति और शनि का मेल अगर दूसरे 9वें 12वें घर के अंदर बैठ जाए तो उत्तम है, इसके अलावा जहां भी बैठता है वहां पर कहीं ना कहीं ये नुकसान करते हैं। अगर तो शनि खराब अवस्था के अंदर हो तो इंसान का जीवन में एक बार धन ही खराब होता है और पूरा डूब के बाद में उठता है, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो तो धन तो डूबता ही डूबता है, साथ में कोई ना कोई अंक को भी ये खराब कर जाता है। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए पूजा पाठ के रूप में जो पीले रंग की वस्तुएं होती हैं वो जरूर देती रहना चाहिए, अपने पुरोहित को या अपने किसी पंडित जी को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए और उनका पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। एक तो ये योग है बेटा जो बहुत ज्यादा विपरीत हालात में लेकर के जाता है। दूसरा योग है गुरु चंडाल योग, यानी कि बृहस्पति और राहु का इकट्ठा होना, ये तो बेटा बुद्धि को ही हर लेता है। अच्छा खासा पढ़ता हुआ ब्रिलियंट और शार्प बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन के अंदर आने लगता है उसी वक्त में ये इंसान की बुद्धि को हर के उसको मनमर्जी का मालिक बना के पढ़ाई से बिल्कुल भटका देता है, और अगर पढ़ाई पूरी कर गया तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं देता, यह मामला बहुत खराब है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु का मेल हो उस इंसान को सुलेमानी हकीक काला सफेद ये लेकर के, सुलेमानी हकीक काला सफेद ये लेकर के चांदी की अंगूठी में मनवा के उसको बीच वाली उंगली के अंदर धारण करना चाहिए, और उसको 43 दिन गाय के जूठे पानी के साथ धोकर के तब रोज पहनना चाहिए और आगे हमेशा पहनना चाहिए। अगर ये उपाय नहीं हुआ तब भी मामला खराब होगा। तीसरा योग है बृहस्पति और बुध का मेल।
क्योंकि बृहस्पति हवा और बुध मटका, अब मटके के अंदर भी हवा होगी यानी कि वो खाली होगी, यानी कि इंसान का कामकाज, उसका ज्ञान, उसका कर्म सब खाली मटके की तरह होगा जो दिखावे में बड़ा नजर आएगा लेकिन अंदर से टोटली खाली होगा। और ऐसे में जब बुध और बृहस्पति आपस में मिल जाए, इंसान अध्यात्म की तरफ जाने लगे, बड़ी बड़ी मालाएं गले के अंदर पहन ले, ताबीज पहन ले, तो इंसान को मिट्टी में मिला के रख देता है। कभी भी बृहस्पति और बुध का मेल हो जन्म कुंडली के अंदर और हालात जिंदगी के अंदर ऐसे वर्स्ट हो कि दुनिया को लगे कि अच्छी तरह से जी रहे हैं लेकिन अपने हालात बहुत खराब हो, तो 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के बेटा उसको जल प्रवाह करना बेइंतहा जरूरी होगा। उसके बाद बृहस्पति और केतु है तो गुरु और चेला, लेकिन ये किसी खास स्थान के ऊपर बैठे हुए बहुत बड़ा नुकसान भी देते हैं। जैसे बृहस्पति और केतु का मेल सातवें स्थान पर हो, कहते हैं आदमी आध्यात्मिक होगा लेकिन गृहस्थी के मामले में, कमाई के मामले में बार बार बड़े बड़े दुख उठाएगा। इसीलिए बृहस्पति और केतु का मेल सातवें घर में हो, तीसरे घर के अंदर हो, चाहिए और यह दसवें घर के अंदर हो, तो 43 दिन चार पीले नींबू बिना दाग के लेकर के उनको मंदिर में देना बेइंतहा जरूरी होगा। अब आ गया बहुत ही खराब योग लेकिन बहुत ही अच्छे वाला, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, और वो है बृहस्पति शुक्र का। बृहस्पति शुक्र मात्र ये दोनों ही ग्रह इकट्ठे, अगर इनके साथ बाकी के ग्रहों में से कोई भी आके ग्रह बैठ गया तो ये बृहस्पति शुक्र का मेल नहीं रहेगा, फिर उस ग्रह के साथ भी इसकी युति होगी। बृहस्पति और शुक्र अगर इकट्ठे हैं, इंसान की दिखावे में इज्जत इतनी बड़ी होगी और कमाई बड़ी आती नजर आएगी, समृद्ध नजर आएगा, लेकिन रेत के पहाड़ की तरह का हाल होगा, यानी कि बूर के लड्डू, यानी कि उसके पास दिखावे में बहुत अच्छा, गाड़ियां अच्छी, घर अच्छा, गृहस्थी अच्छी, रहन सहन पहन ओढ़ना सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन अगर उससे किसी ने लाख रुपए की भी मदद मांग ली ना, तो वही पोल खुल जाती है कि ये आदमी किसी का नहीं, यानी कि ये एक ऐसा योग है जो बहुत खराब करता है। इसको ठीक करने के लिए गौ माता की सेवा, यानी कि इस दुनिया के अंदर सुख समृद्धि पानी हो, बड़ापन पाना हो, तो बेटा हमें यहां शुक्र की ज्यादा जरूरत है, काम काज के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए शुक्र की ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए 43 दिन 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके गाय को खिलाओ, इससे ये बुरापन समाप्त होकर के इंसान को अपने आप बुद्धि ऐसी आती है कि वो एक समृद्धि की राह पे अपने आप बढ़ने लगता है और ये बुरापन समाप्त हो जाता है। तो बेटा इन चीजों का ध्यान रखो, इन योगों का ध्यान रखो, जिंदगी में सदा खुशहाली बनी रहे। बातचीत गुरुदेव से हम आगे भी जारी रखेंगे, सवाल जवाब चलते रहेंगे, लेकिन अभी मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को बता दें उनका आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए दिन पूरा ही उत्तम नहीं है, जिसके कारण किसी विवाद के कारण परेशानी खड़ी हो सकती है, झूठे आरोप लग सकते हैं, परिवार में अचानक किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना पड़ता है आज। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है, यात्राओं के अवसर भी प्राप्त होंगे, धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, परिवार का सुख भी मिलेगा, परंतु किसी न किसी बात को लेकर के अजीब सा भय अपने मन में व्याप्त होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों की आज किस्मत तो साथ दे रही है, जिसके कारण ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा बनी रहेगी, धार्मिक कार्यों की तरफ भी झुकाव होगा, नए नए लोगों के साथ मित्रता भी कायम होगी और कामकाज बनते भी नजर आएंगे, परंतु अगर गलत संगति का साथ किया तो मामले बिगड़ सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1978 है और मेरा जन्म मथुरा में दोपहर के करीब 2 बजे करीब हुआ था। मैं मोटापे से परेशान हूँ, मेरी आपसे एक गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इसके बारे में मुझे कुछ सुझाव दें। बेटा आज और जो कल बीत गया इसके एपिसोड में मैंने खास तौर पे बताया
कि जिनको भी मोटापा होता है उनका बृहस्पति खराब होता है, यही बात बताई थी मैंने। तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का मेल बृहस्पति खराब कर गया। दूसरा, बुध तुम्हें अपनी जन्म कुंडली के अंदर दसवें घर में बैठा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे यहां बुध और शुक्र दोनों ही नौवें घर के अंदर बैठे, इसके कारण भी बृहस्पति खराब हो गया। तीसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण भी, यानी कि चंद्र और केतु का मेल बृहस्पति फिर खराब हो गया। अब बेटा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ऊपर से बुध भी नौवें घर के अंदर बृहस्पति के साथ मिल गया, तो बेटा अब तुम्हारे यहां मोटापा क्यों ना आए, ये मोटापा ही तो बनेगा। और अभी मैंने जितनी बातें बताई हैं, कहने का मतलब तुम्हारे श्वास का पूरा अंदर तक जाना, गहरे पेट तक जाना और उसको निकालना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर तुम कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बहुत लंबा श्वास गहरा अंदर तक पेट तक लेके जाना और उसे बाहर छोड़ना, रोज कम से कम 10 से 15 मिनट की ये प्रक्रिया जरूर करो और ये तुम्हें बीमारियों से बचाएगा और मोटापे से बचाएगा। दूसरा, बृहस्पति के मित्र चंद्रमा, अगर इनकी सपोर्ट ले ली तो ये मोटापा और कंट्रोल होगा। और मेरी बात याद रखना बेटा, गाय का देसी घी एक अमृत है, कभी भी देसी घी के साथ मोटापा नहीं बढ़ता, उल्टा मोटापा घटता है। इसीलिए हर रोज अपने खाने के अंदर कम से कम 30 से 50 ग्राम देसी घी तुमने जरूर खाना है, इसका खास ख्याल रखना। ये अब उपायों में सबसे पहले बेटा 43 सिक्के तांबे के लेके उनको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले या तो जलप्रवाह करके आना या उनको किसी जंगल में गिरा के आना, लेकिन घर से जब निकलो तो अपने खून का कोई भी ताल्लुकदार सामने ना आए, वरना बेटा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये दूसरा, मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के 43 दिन लगातार मंदिर में देना। और तीसरा, 43 दिन ही थोड़े से जौ दूध के साथ धोके उनको जलप्रवाह करो या बाहर पक्षियों को डाल दो, और 800 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो, और हर बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में देना शुरू करो। ठीक है, थोड़े उपाय ज्यादा जरूर है, लेकिन बेटा इतनी बड़ी मुसीबत से निजात भी तो दिलाएंगे। इन उपायों को करो, साथ में जो मैंने प्रक्रिया बताई है श्वास वाली ये करो, और साथ में जो तुम इलाज उत्तम समझते हो वो करो। थोड़ी देर के अंदर तुम्हें सारे रिजल्ट नजर आएंगे, ये मोटापा भी जाएगा, बीमारियां भी जाएगी, कमाई भी अच्छी होगी और जीवन भी अच्छा होगा। दाता से अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है और हमेशा की तरह हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र दीजिए। बेटा बात बृहस्पति की हो रही है और वाकई में बृहस्पति जब खराब हो जाते हैं तो बहुत खराबी देती है, तो गुरु मंत्र भी इसी से संबंध है। और जैसे अभी आज ये हमारे पास आखिरी जो लाइव कॉलर आए, इन्होंने बताया कि इनको मोटापा ज्यादा है। कभी भी किसी को भी मोटापे की बहुत बड़ी समस्या हो जाए, उनका जुकाम और साइनस इस हद तक चला जाए कि वो ठीक ही ना होता हो, और जिनको भी जुकाम और साइनस होता है बेटा, उनके काम बनते नहीं बिगड़ते जाना है, रिजल्ट पूरे पक्के नहीं आते, एंड पे आके खराब होते हैं, कमाई के स्रोत बनते बनते भी खराब हो जाते हैं, समझे। इस तरह की समस्या जिनके साथ में भी हो, उनको अपने घर पे बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, पहली बात यह है। दूसरा, उनके घर पे पीतल के जो बड़े बड़े बर्तन हैं, वो जो उल्टे मार के रख देते हैं, यानी कि जो यूज नहीं होते उनको उल्टा करके रख देते हैं बेटा, ये सबसे बड़ी बुराई बनती है बेटा। इसीलिए अगर घर के अंदर बड़े बड़े बर्तन हो तो आप या तो उनको समय समय पर इस्तेमाल करो, अगर और नहीं करना तो जितनों में पानी भर के रख सकते हो जो कि डेली इस्तेमाल करना वो उत्तम रहेगा, या फिर उसके अंदर बादाम, छुआरे कुछ भी डाल करके रखे और नासी अनाज ही भर के रख दीजिए, ये बहुत जरूरी है, वरना ये बृहस्पति बहुत ही बुरा फल देंगे। और तीसरा,
काले, नीले और हरे रंग से सख्त परहेज बना करके रखें। काला, नीला और हरा रंग इन लोगों के लिए जहर के समान होगा। और कमरे पे या कपड़ों में या अपने पर्दों पे अगर हो तो ये बुरा फल देता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा फल तब देगा अगर घर की छत के ऊपर आपने हरा रंग कर दिया तो फिर तो ये बहुत ही बुरा फल देगा। इसलिए बेटा इन चीजों से खासतौर पर बचाव करो। हर रोज अपने खाने के अंदर हल्दी की मात्रा को ज्यादा कर दो, केसर को ज्यादा कर दो और साथ ही हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ और लंबी लंबी श्वास लेकर के लंबी लंबी इतनी लंबी श्वास की जो पेट की गहराई तक जाए, ये प्रक्रिया रोज की 10, 11, 12 मिनट की जरूर करो। अगर ये करोगे बेटा अपने आप सारे दुख होते चले जाएंगे। और एक खास बात, जिनका बृहस्पति खराब हो जाता है उनका जो चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ की जो नासिका है ये ज्यादा चलती है, और जिनका बृहस्पति अच्छा होता है उनकी राइट साइड की नासिका ज्यादा चलती है। और इसको ठीक करने के लिए इसी से बेटा सारी प्रॉब्लमें पैदा होती हैं। जिनका लेफ्ट हैंड की नासिका ज्यादा चलती है इससे श्वास ज्यादा चलता है, उसके शरीर में बीमारियां भी होती हैं, प्राणी की बुद्धि भी कमजोर होती है, लड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, कामकाज नहीं बन पाते, समझे। इसीलिए जब आप लेफ्ट हैंड करवट के ऊपर लेटोगे और ये राइट साइड की जब नासिका चल पड़ेगी, आप जब भी लेफ्ट लेटोगे आप देखोगे राइट साइड की आपकी नासिका चल गई, और जब ये चलनी शुरू हो गई इस वक्त में जो भी प्लान बनाओगे, जो भी कार्य सोचोगे वो आपका सक्षम होगा और हर तरह से पार होगा। ये आपको एक मूल मंत्र दिया है, इसको जरूर करना। जिनका बृहस्पति खराब है वो अपनी जिंदगी में इसी से ही काम। इस वक्त में जो भी प्लान बनाओगे, जो भी कार्य सोचोगे वो आपका सक्षम होगा और हर तरह से पार होगा। ये आपको एक मूल मंत्र दिया है, इसको जरूर करना। जिनका बृहस्पति खराब है वो अपनी जिंदगी में इसी से ही कामयाबी पा जाएंगे। दाता खुश रहे। तो आज का शो देखने के बाद आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह की चली आ रही कोई परेशानियां थी वो अब जल्द से खत्म हो जाएंगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय जरूर करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशी बख्शे बिंदा। आज के हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।